हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज सीपी सिन्हा। आप लोगों की केमिस्ट्री बडी, राइट? तो चलिए, आज की क्लास में हम सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट? सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, ये तो कुछ सिंबल्स आप लोग देख रहे हैं, उनके नाम देख रहे हैं, लैटिन नेम देख रहे हैं, राइट? मगर आप आज हम बात करते हैं कि ये सिंबल्स कैसे आए, राइट? कैसे लोगों को आइडिया आया कि एलिमेंट्स के सिंबल्स भी बनाने चाहिए, राइट? तो देखिए, अगर सिंबल नहीं होते तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होती है ना। हमें अगर हमको रिएक्शन लिखना है, कोई हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो हमको पूरा पूरा स्पेलिंग लिखेंगे, एच वाई डी आर ओ जी ई एन हाइड्रोजन, है ना, इस तरह से हमको लिखना पड़ेगा। तो वो एक इंफॉर्मेटिव रिएक्शन नहीं होगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक लिखती हूँ कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो आप इस से आप क्या पूछोगे, अरे भाई ये हाइड्रोजन जो है इसका एटम लिया हमने कि इसका मॉलिक्यूल लिया, ऑक्सीजन जो है इसका एटम लिया या इसका मॉलिक्यूल लिया, हमने क्या लिया, यही इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है हमको। तो हम आगे रिएक्शन के बारे में क्या जानेंगे? तो इसी वजह से सिंबल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में लिया गया है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, जब इंटरेस्टिंग बात एक बताती हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे, कि जो सिंबल सबसे पहले आए थे तो किसने दिया था, किसने सिंबल को सबसे पहले रिप्रेजेंट किया था कि सिंबल्स होने चाहिए, इंट्रोड्यूस किया था सिंबल्स के बारे में, वो थे जॉन डाल्टन। अब जॉन डाल्टन ने जो सिंबल्स दिए थे, उन्होंने कैसे सिंबल दिए थे, जैसे कि अगर हमको सपोज हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन का सिंबल उन्होंने बताया था कि एक ऐसे सर्कल बनाने का, बीच में उसके एक ऐसे जीरो लगा देने का, तो उस तरह से कि हाइड्रोजन का सिंबल हो जाएगा, है ना। कार्बन का सिंबल बताया उन्होंने, तो कार्बन के लिए उन्होंने क्या बोला कि कार्बन के लिए एक सर्कल बनाइए और उसको पूरा गोल ऐसे पूरा ब्लैक कर दीजिए, मैं तो रेड से बना रही हूँ बट ये पूरा ब्लैक हो जाएगा, तो दैट इज कार्बन। ऐसे फॉस्फोरस का सिंबल, फॉस्फोरस के लिए उन्होंने सिंबल क्या दिया, फॉस्फोरस के लिए सिंबल दिया उन्होंने इस तरह से सिंबल, आप लोग जानते हैं आजकल ये ऑडी का सिंबल है ना, ऑडी की गाड़ी में ये वाला सिंबल बना हुआ रहता है। तो ऐसे बहुत सारे सिंबल्स उन्होंने बनाए थे, बट ये थोड़ा इसको बोला जाता है पिक्टोरियल सिंबल, क्योंकि कुछ पिक्चर्स बनाई गई थी इसलिए ये सिंबल कैसे थे, ये पिक्टोरियल सिंबल्स थे इस तरह के, है ना। फिर ये सिंबल्स से भी फिर से हमको क्या इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी कि भाई कितना होना चाहिए, इसका क्या एटम फॉर्म में है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, इसलिए इनके इस एफर्ट को डिस्कार्ड कर दिया गया। बट फिर भी हम इनके बारे में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बच्चे पूछते हैं, अरे मैडम जब डिस्कार्ड कर दिया गया तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है। अरे पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु एटलीस्ट गेव दस दैट आइडिया, उन्होंने आइडिया दिया था कि सिंबल होना चाहिए, सिंबल नहीं होगा तो हम कैसे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उनका पिक्टोरियल फॉर्म था देने का, बट उन्होंने ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया एटलीस्ट। उनके आइडिया पे फिर एक और साइंटिस्ट आया जिनका नाम था जे जे बर्जेलियस, जो जे जे बर्जेलियस जो थे, वो बर्जेलियस ने फिर सिंबल को दिया। उन्होंने क्या किया, स्मार्टली वर्क किया, कुछ सिंबल थे जिनका इंग्लिश नेम था, कुछ सिंबल थे जिनका लैटिन नेम था, उन्होंने क्या किया, इंग्लिश नेम और लैटिन नेम वाले सिंबल्स जो थे उनके फर्स्ट लेटर को और साथ में उनके सेकेंड लेटर को, या खाली फर्स्ट लेटर, जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि फॉस्फोरस का पी, कार्बन का सी, है ना, ऑक्सीजन का ओ, हाइड्रोजन का एच, है ना, ऐसे कुछ एलिमेंट्स के फर्स्ट लेटर ले लिए उन्होंने, कुछ एलिमेंट्स का फर्स्ट लेटर और साथ में उसके सेकेंड या थर्ड लेटर या फोर्थ लेटर। तो जैसे क्लोरीन के लिए उन्होंने सी एल ले लिया, है ना, जैसे उन्होंने क्रोमियम के लिए सी आर ले लिया उन्होंने, और क्या है, जैसे कि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स लिए, फिर कुछ लैटिन नेम पे आए एलिमेंट्स, तो ये लैटिन नेम के जो एलिमेंट्स हैं उनकी लिस्ट है और उनके सिंबल्स हैं। क्योंकि आपको लगेगा गोल्ड तो जी ओ एल डी लिखा है तो उसका सिंबल ए यू क्यों है, क्योंकि लैटिन नेम उसका ऑरम है, इसलिए उसका सिंबल लैटिन नेम से दिया गया, ठीक है। सिल्वर के लिए आर्जेंटम है, मर्क्यूरी के लिए हाइड्राजिरम है ना, तो इस तरह से करके उन्होंने बहुत सारे सिंबल्स लैटिन नेम से बनाए। तो ये वाली एक बात हुई, तो ये कुछ सिंबल्स थे, ठीक है। तो सिंबल्स ऐसे इंट्रोड्यूस्ड हुए और उसके लिए अब आज हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल हो जाता है क्या क्या सिग्निफिकेंस है सिंबल का। तो सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल में देख लीजिए, पहला क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द एलिमेंट। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं लिखती हूँ पी तो आप बताते हो कि ये फॉस्फोरस है, राइट। अगर मैं लिखती हूँ के तो आप बताते हो कि ये पोटेशियम है, मैं लिखती हूँ सी तो आप बताते हो कि ये कार्बन है, कैसे भाई। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट को, आप जैसे आपके नाम से
कोई रामू है तो आप जानते हो कि इसका नाम रामू है, ये पर्सनालिटी जो है इसको हम रामू के नाम से जाते हैं, है ना। कोई व्यक्ति का नाम अक्षय है तो आप जानते हो कि इस बंदे का नाम अक्षय क्यों, इसकी पर्सनालिटी से हम जानते हैं कि इसको ये अक्षय है। तो उसी तरह से भाई पोटेशियम को हम जानते हैं कि उसका सिंबल के है, वो उसका नाम है कि के से हम जानते हैं, तो हम बोलेंगे के पुकारेंगे तो पोटेशियम आएगा, वो वाली बात हो गई है ना। तो सिंबल एलिमेंट्स नेम, सिंबल जो होता है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे एलिमेंट के नाम को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल एटम को बताता है भाई। पोटेशियम अगर पी लिख रहे हैं हम, खाली सिंगल एक पी लिखा है हमने, तो इससे पता पड़ रहा है कि हाँ पोटेशियम का एक एटम की बात हो रही है। अगर हम आई लिख रहे हैं तो पता पड़ रहा है कि आयोडीन के एक एटम की बात हो रही है। अगर हम आई टू लिख रहे हैं तो पता पड़ रहा है कि आयोडीन के दो एटम की बात हो रही है ना। ओजोन लिख रहे हैं तो ओजोन के लिए ऑक्सीजन के तीन एटम को अगर हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है आपका ओजोन, है ना। तो इस तरह से करके क्या हो रहा है, ये एलिमेंट्स और उनके एटम को भी बताता है कि कितने एटम प्रेजेंट हैं उसके अंदर में, प्लस फिर मोल बताता है ये, 1 मोल ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट, 1 मोल एटम का मतलब क्या हुआ। तो वो उसके हम आयोडीन, ये 1 मोल आयोडीन है, ये 1 मोल कार्बन है, इस तरह से ये इसको बताता है ये, ठीक है। फिर इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट मास ऑफ द एलिमेंट, इनके मास को भी बताते हैं। तो मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हमको मास रिप्रेजेंट करना है तो हम ऊपर में डालेंगे एक 16, नीचे में डालेंगे 8। तो भाई हमने तो एटॉमिक नंबर भी बता दिया, उसका मास नंबर भी बता दिया, मतलब क्या हो गया, एक सिंबल लिखा हमने। हमको अब देखो, अगर इसी चीज़ को हमको अगर सिंबल नहीं होते तो क्या करते हम, लिखते ऑक्सीजन, इसका मास ये है, इसका एटॉमिक नंबर ये है, इतनी लंबी चौड़ी बात लिखते हम। उससे बेटर है कि हमने क्या किया, एक सिंबल लिया, उसके ऊपर 16 डाला, नीचे 8 डाला, मतलब बता दिया कि भाई इसका एटॉमिक नंबर ये है, उसका मास नंबर ये है, बात खत्म हो जाती है। तो इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से एलिमेंट्स का सिग्निफिकेंस है, उसका इंपॉर्टेंस है, और इसी की वजह से हम केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं और बड़े आसानी से लिख पाते हैं, वेरी इंफॉर्मेटिव रिएक्शंस हम लिख पाते हैं। इंफॉर्मेटिव रिएक्शंस का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ, हाइड्रोजन है ना रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे बना रहा है 2H2O, ठीक है। हाइड्रोजन गैशियस स्टेट में, ये भी गैशियस स्टेट में, ये भी गैशियस स्टेट में, देखो इन्फॉर्मेशन कितनी हो गई हमारे पास। एक तो हमने बताया कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्योंकि हमने H2 लिखा है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, O2 लिखा हुआ है, और ये भी इसने क्या किया, एक मॉलिक्यूल वाटर का बनाया, ठीक है, पहला पहला इन्फॉर्मेशन। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है कि भाई 2 मॉलिक्यूल हमने हाइड्रोजन का लिया, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लिया, जिससे 2 मॉलिक्यूल वाटर का बना। तीसरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि सबके सब गैशियस स्टेट में, ये सबके सब गैशियस स्टेट में। तो देखो कितनी इन्फॉर्मेशन मिल गई हमको उस रिएक्शन में, जो पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स हैं उनके स्टेट के बारे में पता पड़ गया, वो एटॉमिक स्टेट में रिएक्शन कर रहे हैं कि वो मॉलिक्यूलर स्टेट में रिएक्शन कर रहे हैं वो पता पड़ गया, और हमने उनके कितने एटम या कितने मॉलिक्यूल लिए हमें वो भी पता पड़ गया। इससे क्या होती है, रिएक्शन एक इन्फॉर्मेटिव हो जाती है, और इस रिएक्शन से आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि क्या क्या इन्ग्रेडियंट्स आपने लिए और क्या प्रोडक्ट्स उसके मिलने वाले हैं। इसका ये एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है सिंबल का, ठीक है। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। मेरे वीडियोस को अगर आप पसंद करते हैं तो आपको अगर ये पसंद आ रही है तो मैं आगे और भी वीडियोस ऐसे डालती रहूँगी इसमें, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं अन अकेडमी पर एक एडुकेटर हूँ जो कि केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ वहाँ पे। मेरा रेफरल कोड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जो कि आपको मेरे क्लासेस को वहाँ अनलॉक करने में हेल्प करेगा। मेरा रेफरल कोड है CP10। आप यहाँ से मेरी क्लासेस को अनलॉक करके और अन अकेडमी के ऐप पे आकर के मेरी क्लासेस देख सकते हैं, जो फ्री क्लासेस हैं उसको देख सकते हैं, और अपने बेनिफिट्स को, अपने क्लासेस को देख करके अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू देन, बाय बाय।